इस वक्त हम खड़े हैं यमुना विहार सी ब्लॉक पर। तो यहाँ पर हमें एक शॉप नजर आई वैष्णो चाट एंड कैटर्स के नाम से। तो यहाँ हींग वाली कचौड़ी के साथ में आलू की सब्जी और मेथी की चटनी मिलती है। तो इनकी जो शॉप है वो पहले यमुना विहार के बी ब्लॉक में हुआ करती थी और वो काफी बड़ी और काफी फेमस थी, लेकिन किसी नुकसान की वजह से इन्हें अब इस छोटे से स्टॉल से ही काम चलाना पड़ रहा है। इस शॉप की सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ था। तो चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ जी भैया जी, क्या क्या मिलता है आपके पास में? सर अभी तो मेरे पे अवेलेबल में खस्ता कचौड़ी हींग वाली है। अच्छा, वैसे मेन काम मेरा चाट का है। अच्छा, गोलगप्पे, टिक्की, भल्ले, पापड़ी, पाव भाजी, ठीक है, और क्या क्या है प्राइस है आपके? कचौड़ी 30 रुपये प्लेट है। अच्छा, उसमें आलू की सब्जी, ठीक, ठीक है जी। देखने में तो बहुत अच्छा खस्ता लग रहा है, अभी हम खा भी लेते हैं इसको और खा के आपको टेस्ट बताते हैं। एक बार दिखा दीजिए क्या क्या है सब्जी वगैरह। ये मेथी की चटनी है। अच्छा जी, मेथी की चटनी हो गई। हाँ जी, ये आलू की सब्जी है विदाउट ऑयल की। आलू की सब्जी विदाउट ऑयल? हाँ, ऑयल नहीं होता, हल्का घी का तड़का लगाते हैं। ठीक है जी। और ये कचौरियाँ हो गई खस्ता, ये अंदर इसमें क्या दाल की पिट्ठी है? इसमें दाल की पिट्ठी होती है, हींग होती है, मसाले होते हैं। अच्छा, ठीक है, एक प्लेट हमारी लगा दीजिए जी आप। वाकई में ये कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी थी और खाने के बाद ये हैवी बिल्कुल भी नहीं लगी। तो यमुना विहार के आसपास के स्थित सभी लोगों से एक निवेदन है कि इन्हें पूरा सपोर्ट करें, एक बार यहाँ की कचौड़ियाँ जरूर ट्राई करें, तो आप बार बार यहीं आकर कचौड़ियाँ खाना पसंद करेंगे। सुबह के वक्त इनके स्टॉल पर आपको कचौड़ी मिल जाएंगी और शाम को गोलगप्पे, टिक्की, दही भल्ले मिलते हैं। यहाँ का पूरा एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और जितना हो सके आप इन्हें पूरा पूरा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।